लोकसभा चुनाव 2019 जो इन दिनों काफी ही ज्यादा सुर्खियों का कारण बना हुआ है। दरअसल सुर्खियों का कारण भी क्यों ना हो, क्योंकि पूरी सत्ता 5 सालों के लिए बदल जाएगी। ऐसे में जहां पर नेता जो हैं सत्ताधारी पार्टी विपक्षी पार्टी पर आरोप प्रति आरोप का सिलसिला चला रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम सितारे चुनावों में अपनी किस्मत को अजमाते दिखे। ऐसे में यहां पर आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, जहां पर उनके अपोजिट है अखिलेश यादव। आजमगढ़ अखिलेश का गढ़ माना जाता है, मगर ऐसे में देखा गया है कि निरहुआ को भोजपुरी इंडस्ट्री से काफी ज्यादा ही सपोर्ट मिलता भी देखा गया। अब ऐसे में जहां पर भोजपुरी इंडस्ट्री से निरहुआ को सपोर्ट मिला, तो वहीं हाल ही में विजय लाल यादव समाजवादी पार्टी के नेता है, यानी कि निरहुआ के कजन भाई, जो अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए दर्जा प्राप्त मंत्री भी बन गए थे। हाल ही में विजय लाल यादव ने अपने भाई का सपोर्ट किया। उन्होंने कहा है कि मेरा भाई आजमगढ़ से चुनाव जरूर जीतेगा, मेरा भाई जो है यहाँ से अखिलेश को हरा कर यहाँ पर 5 सालों तक आजमगढ़ की जनता के लिए काफी काम भी करेगा। अब परिवार का साथ मिलना कहीं ना कहीं निरहुआ के लिए जीत का ऐलान भी होता देखा जा रहा है। नेक्स्ट साइन भोजपुरिया से नैन्सी की रिपोर्ट।